और रतलाम में सिविक सेंटर प्लॉटों की रजिस्ट्री मामले में नगर निगम आयुक्त को निलंबित कर दिया गया है। निगम आयुक्त एपीएस गहरवाल से खास बातचीत की गई है। हमारे संवाददाता साजिद खान ने क्या कुछ बातचीत की, सुनते हैं। नगरी प्रशासन विभाग द्वारा जो है अभी कुछ देर पहले ही रतलाम जो कमिश्नर हैं केवी सिंह साहब को जो है निलंबित कर दिया गया, और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए खुद रतलाम निगम कमिश्नर है। सर, सबसे पहले पहचान चाहते हैं कि क्या वजह मानते हैं इस तबादले की? जो पत्र जारी किया गया है उस पर एक आध दो चीज़ें लिखी हुई हैं, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। सब शासन की स्वीकृतियाँ थी, स्वीकृति के अनुसार सब कार्रवाई की गई है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि तत्कालीन कलेक्टर जो थे भास्कर लश्कर साहब ने एक आपके लिए एक शिकायत पत्र लिखा था और उसको लेकर के ये कार्रवाई की गई है। मैं उनका बड़ा सम्मान करता था, मुझे ऐसा कुछ था भी नहीं कि उन्होंने मेरे खिलाफ लिखेंगे, पर मुझे ऐसा पता चला कि उन्होंने पत्र लिखा था। तो पत्र में कई गंभीर तरह के आरोप लगाए, खास करके जो पूरा हाल में जो मुद्दा उठा था जो रजिस्ट्रिया करवा दी गई उसको लेकर के। रजिस्ट्री के साथ और भी पॉइंट थे, इसके कोई तथ्य के अनुसार ये नगर निगम की संपत्ति थी, नगर निगम ने उनको पूरा पैसा भी जमा कर दिया, शासन को उन्होंने गलत जानकारी दिया। तो कई ऐसी 22 रजिस्ट्रियाँ ऐसी थी जो जिसका जिक्र किया गया है, तो अगर अगर ऐसा कुछ हुआ था तो क्या महापौर को इस बारे में आपने कोई जानकारी दी थी या इस बारे में बताया था कि ये सब शासन से स्वीकृत थी, हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार कार्रवाई की गई है। पुराना परिषद ने क्योंकि इसको रद्द किया था और परिषद पे हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था, उनके आदेश को क्वेश्चन किया था। यदि परिषद अथवा एमआईसी को बताते और रद्द कर देते तो कंटेम्प्ट की परिधि में आते हैं, ठीक है, इसलिए उनको बताना मैंने आवश्यक नहीं समझा। तो स्वीक सेंटर का जो विवाद है पूर्व से भी रहा है, हाल में जो परिषद ने भी बीजेपी ने और दूसरे अन्य पार्षदों ने भी गंभीर आरोप लगाया, अध्यक्ष ने भी जो है इस बारे में आपको जवाब देने के लिए तलब किया, जवाब वगैरह कुछ दिए आपने? एक्चुअल पूरी फायदे यहाँ पे हैं, कोई भी व्यक्ति सूचना के अधिकार के तहत पूरी जानकारी ले सकता है। यह 96 में ये जमीन का आवंटन हुआ था, 96, और सभी ऐसा कोई कमिश्नर नहीं है जिसने कोई कुछ न कुछ रजिस्ट्री न कराई हो, और सभी रजिस्ट्रियाँ न्यायालय के आदेश के अनुसार ही हुई हैं। क्योंकि जब भूखंड का आवंटन हुआ था तो उस पर सभी औपचारिकताएं पूरी की गई थी, ठीक, तो इस पर कुछ भी गलत नहीं है, ना पहले किसी ने गलत किया ना आप गलत। ऐसे बताया गया कि रजिस्ट्री के दौरान जो भी रेट हो या जो भी कुछ रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक लंबा मार्जिन जो है वो रखा गया है, कुछ 200 रुपये स्क्वायर फीट पे 98 में परिषद के संकल्प से ओपन ऑक्शन में सभी प्लाट आवंटित किए गए थे, किसी ने 200 रुपये तक जो रेट थे उसके सभी ने ऊपर ही डाला है, उसी रेट पे तत्कालीन परिषद ने इसको स्वीकृत दिया था, परिषद की स्वीकृति के पश्चात शासन ने स्वीकृत दिया था, और इसकी लोकायुक्त में जांच भी हुई थी और जांच में लोकायुक्त ने भी ये बोला था कि ये सब सही है, ठीक है, तो इसमें कुछ गलत नहीं। तो फिर ये 22 रजिस्ट्री का जो पूरा हंगामा हो रहा है जिसको लेकर के तत्कालीन कलेक्टर ने जो है पत्र भी लिखा था, जिसको लेकर के आपको जो है नहीं, कलेक्टर को तथ्यों की जानकारी नहीं थी, उन्होंने यदि लिखा तो गलत लिखा। तो अब आप आगे क्या करेंगे, क्या रणनीति है आपके आगे के बारे में? ये निलंबन एक प्रक्रिया है सरकार की, सरकार को भी तथ्यों के बारे में जानकारी नहीं थी, मैं सरकार को बताऊंगा कि ये आपके आदेश अनुसार ही हुआ है। निगम कमिश्नर ने अपने ऊपर हुई निलंबन की कार्रवाई पर एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए कहा है कि तत्कालीन कलेक्टर भास्कर लश्कर को इसके तथ्यों की कोई जानकारी नहीं थी, सरकार को भी इनके तथ्यों की कोई जानकारी नहीं थी, वो सरकार से बात करेंगे और सरकार को बताएंगे कि जो सरकार के आदेश थे उन्हीं के अनुसार उन्होंने काम किया है। देखने वाली बात अब यही है कि क्या निगम कमिश्नर अपनी बात सरकार के सामने रख सकते हैं या फिर आगे जो अन्य कार्रवाई होनी है उसके लिए वो तैयार रहेंगे। रतलाम से साजिद खान, एनडीटीवी।